देखिए हमारा ये देसी चिकन हांडी, बिल्कुल घर में बनाई हुई देसी चिकन की ये चिकन हांडी है। बिल्कुल भाफ निकल रही है। देखिए मैं इसे, चिकन हांडी कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। लेके आते हैं और साथ साथ ही बनाना चाहते हैं तो इसमें मैंने हल्दी थोड़ा सा भी हाथ से मिला कर रख देता हूँ। देखिए इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, आज चिकन हांडी बनाऊंगा तो इसकी रेसिपी थोड़ी सी हटके है। लोग तो जैसे कि अपना मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं, लेकिन मगर अभी आप सिटी वाले या कैसे बनाएंगे अपने घरों में, तो उसको मैं देखिए मैं करता हूँ कैसे। ये ड्राई मसाला है, थोड़ा सा दालचीनी, 5-6 लौंग, 2 इलायची हरी इलायची और 2 तेज़पत्ता, और इसमें मैंने चॉपिंग किया हुआ प्याज ले रखा हूँ। लगभग ये प्याज हमारी 300 ग्राम के आसपास है, मतलब 4-5, कम से कम 5 प्याज है, क्योंकि हमारे पास चिकन 1 किलो 1 पाव के आसपास है। और मैंने इसमें ये गार्लिक 1 कटी हुई ले रखा हूँ, देखिए मतलब ना कद्दूकस किया हुआ, ये चॉपिंग किया हुआ। और ये जिंजर है, जिंजर भी मैं कद्दूकस किया हुआ लिया हूँ। उसके बाद उसके आगे वाला तो फिर मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे देगी मिर्च यूज़ करूँगा, आपके चिकन मसाला ऐड करूँगा, कस्तूरी मेथी भी ऐड करूँगा, थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करूँगा। पहले हम कढ़ाई में एम ऑयल डालते हैं, जैसे कि ये मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल से मतलब मस्त बनेगी देसी स्टाइल वाली। मैं इसमें लगभग, देसी चिकन है तो थोड़ी ऑयल तो थोड़ा सा बनता है ज़्यादा, कि थोड़ा सा देसी स्टाइल की बने तो ज़्यादा जीरो ऑयल वाली नहीं है। मैं लगभग इसमें 50 ग्राम एम ऑयल डाल रखा हूँ। एम ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें देखिए खड़ा मसाला एक ही बार डाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म थी और दिल भी गर्म था। देखिए ये, उसके बाद मैंने इसमें जो आधी कटोरी के आसपास, जैसे कि अगर मैं इसको पीस लेता तो 2 स्पून के आसपास ये गार्लिक होती, मगर इसको चॉप कर रखा हूँ इसलिए आपकी ज़्यादा लग रही है, मगर आधे कटोरी के आसपास है, और कटोरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको मैं कढ़ाई में डाल दिया, हमारी जैसे कि ये लहसुन हाफ से ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल बड़ा इसको नहीं करना है। ये देखिए लहसुन हो चुकी है हमारी, मैं इसे चॉपिंग किया हुआ 4 से 5 प्याज इसमें ऐड कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। और प्याज को मैं थोड़ा जल्दी मल्ट होने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी नमक का ऐड कर दूंगा। पहले हम लोग चिकन में भी ऐड कर रखा था तो मैं थोड़ा सा प्याज में ऐड कर रहा हूँ, तो इसकी तो आपको अंदाज लगानी पड़ेगी। लगभग तो मैं 1/2 टीस्पून के आसपास इसमें नमक भी अभी डाला हूँ, और देखिए इसमें भून रहा हूँ। ये थोड़ी सी आपकी ब्राउननेस होना पड़ेगा क्योंकि ये चिकन हांडी है, देखिए मैं इसको भून रहा हूँ। इसकी फ्लेवर एक आपकी अनकॉमन ही आएगी। मैं इसको भून रहा हूँ तो एक भुना हो जाए, और इसके लिए मैं थोड़ी सी दालचीनी पीस के रखा था। आप इसको थोड़ा से पानी में भिगो के भी रख सकते हो, इसको मैं थोड़ा से पानी डाल देता हूँ। ये दालचीनी देखिए मैंने पानी में डाल के इसको भिगो कर रख दिया, मगर ये अभी नहीं डालना है, ये हमें बिल्कुल लास्ट एंड में डालना है जब चिकन हमें हटाया जाए, तो इसकी एक स्वाद एक अलग ही आएगी, एक हल्का मीठा, और इसकी फ्लेवर तो अपनी है ही है तो एक अलग तरीके से ही आएगी। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के इसको रख दे रहा हूँ। हमारी प्याज ब्राउनिंग हुई है,
इसको प्रोसेसर चलाते रहना है। जैसे ये प्याज जैसे भून रहे हैं, लगभग 10 मिनट तो उसको भूनना ही पड़ेगा ब्राउन के लिए। और इसमें मैंने नमक भी डाल रखा हूँ, तो प्याज थोड़ा जल्दी ही मल्ट होगी। ये देखिए, और इसे मैं 10 मिनट के लिए अभी थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो को डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए हमारी प्याज ब्राउननेस आ गई। अब मैं इसे चिकन है जो इसे ऐड कर रहा हूँ, और चिकन के साथ ही मैंने ये अदरक का 1 स्पून इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो कद्दूकस किया हुआ। ये देखिए 1 स्पून के आसपास, और इसमें नमक ऑलरेडी थी, और अभी मैं इसे तो मैं अभी 5 मिनट के लिए से ढक रहा हूँ, उसके बाद फिर निकाल के चलाऊंगा। तो जैसे मैं देखिए इसे 5 मिनट का बाद लगाया, मैं ये चिकन शाम को 6 बजे लिया हूँ, तो लगभग ये चिकन 1 घंटा के आसपास तो लगी जाएगी। आपको टाइम ही बता दूंगा कि कितने टाइम तक ये बनेगी। अब इसको एक बार मैं चला लिया हूँ, हल्की हल्की इसमें जैसे कि मैंने नमक ऐड किया था, तो पानी पानी की हो रखा है ये देखिए। और इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून आपका टर्मरिक मतलब हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ। इसके बाद मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लूंगा, 2 या 3 स्पून ले लूंगा। ये देखिए 3 स्पून मैंने धनिया पाउडर ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसे फिर चलाना है। और इसमें मैं देगी मिर्च का लाली दूंगा। आपको आप अपने हिसाब से मिर्च का ऐड कर लीजिएगा। मैं लगभग इसमें 2 स्पून का तो ऐड किया ही हूं मैं। तो अब इसे चलाने में इससे क्या देगी का कलर एक अनकॉमन एक कलर है, अपना ही कलर एक दे देती है इस चिकन का। ये देखिए, और गैस बहुत ज़्यादा देखिए साइड से पकड़ भी रहा है, क्योंकि मैं मसाला ऐड किया हूँ। तो आप इस मसाला के साथ हल्की सी हाफ कप पानी का ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि 1/2 कप पानी ऐड कर दीजिएगा, जिससे हमारा मसाला नहीं जले, क्योंकि हमने ड्राई मसाला डाल रखा था। ये देखो नहीं तो आप मसाले जितने डालने हैं उसमें आप पानी डाल के भी रख सकते हो। इससे क्या होगी कि आप मसाला नहीं जलेगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाएगी। अब इसे मैं गैस ना धीमी ना फुल मीडियम में लेके इसको हर 10 मिनट के बाद इसको मैं चलाते रहूँगा। देखिए मैंने बिल्कुल ढक दिया हूँ। मैंने इसे हर 5-7 मिनट के बाद थोड़ा सा उसको चलाते रहना है, वरना ये आपको नीचे से चिपकने लगेगी। उसके बाद क्या डालनी है फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं इसे अब खोल रहा हूँ। मैंने इसे 5-5 मिनट के बाद 3 बार पहले खोल रखा था, अभी फिर आपके सामने फिर चला रहा हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा हमारा चिकन नीचे से चपकने लगा, क्योंकि मैंने सूखा हुआ मसाला का ऐड किया हूँ। तो अभी हमारा मतलब तड़के के बाद डालने के बाद हमारा 20 मिनट मिनिमम हो चुका है, 20 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें 3 से 4 टमाटर कटी हुई मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसमें 3 से 4 टमाटर ऐड किया, और उसके बाद मैंने ये वाली
ये है हमारा चिकन मसाला, ये चिकन मसाला है, ये देखिए चिकन मसाला है। इसे मैं 2 टीस्पून के आसपास मैंने इसे डालूंगा टमाटर के डालने के बाद। ये देखिए फिर मैंने इसे थोड़ा चला देना है। मैंने इसे फिर मैं ढक दे रहा हूँ। इसे हर 5 मिनट के बाद निकाल निकाल के इसे आपको चलानी पड़ेगी, वरना नीचे से चिपक जाएगी। हमारी इस कढ़ाई में अभी तक 25 मिनट हो चुकी है और इसे मैं अभी 3 से 4 बार और चलाऊंगा, उसके बाद फिर बताता हूँ आपको क्या करनी है। पानी गर्म करके रखा हूँ चिकन में डालने के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि गर्म पानी से टेस्ट की हमारी चेंजिंग नहीं आती है। जैसे हमारी लगभग 40 मिनट हो चुकी है, इसको मैंने कम से कम 6 से 7 बार चलाया और हो गया। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने इसको चला रहा हूँ तो नीचे हमारी चपक रही है, तो इसको अच्छी तरीके से आप इसे जो लगी हुई है उसको बिल्कुल आप हटा दोगे। ये देखिए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ बोन से, जैसे कि हमारी लेग पीस हट गई है, तो इससे क्या अंदाज़ लगता है हमें कि हमारी चिकन, ये देखिए मतलब लेग पीस बोन से थोड़ा सा साइड हो चुकी है, तो हमारा चिकन लगभग 75% के आसपास पक चुका है। और मैं इसे टुकड़ी छो कर रहा हूँ तो देखिए आराम से इन हो रही है, मतलब थोड़ी सी हार्ड है। तो इसमें हम अब पानी डालेंगे, तो इसमें मैं पहले कस्तूरी मेथी, देखिए ये कस्तूरी मेथी है, लगभग 2 स्पून के आसपास मैंने इसमें ये डाल रखा हूँ। इसमें आप अगर फ्राई खाना है तो आप ऐसे भी निकल खा सकते हो, इसकी भी आनंद आएगी खा के। अब मैंने इसे गर्म किया हुआ पानी, ये देखिए ऐड कर रखा था, अब ये गर्म किया हुआ पानी मैं इसमें, आपको ग्रेवी के हिसाब से आपको लेनी है, ये देखिए आप जितना ग्रेवी पसंद करना चाहते हो आप उस हिसाब से इसको ले लिया है। और इसमें मैंने जैसे पानी डाल रखा हूं, अगर आप पार्टी के लिए बना रहे हो तो ये वाली है आपकी ऑरेंज रेड, ये फूड कलर है, हल्की सी ये लालिमा देगी, इसलिए मैंने आपको यूट्यूब चैनल में मैं डाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्की सी पानी में वो करके, ये देखिए इसकी एक अनकॉमन कलर आ जाएगी, देखिएगा हमारे चिकन में। अगर आप घर में खाने के लिए बना रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसे खाने में डाल चुका हूँ, बिल्कुल लालिमा जैसा आएगी, और ग्रेवी के हिसाब से मैंने तो इसमें 400 ग्राम के आसपास पानी डाला हूँ, क्योंकि रखा। और लगभग 15 मिनट के बाद हमारी चिकन हांडी देसी चिकन की बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको मैं 15 मिनट के बाद इसको फिर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पानी डालने का मैंने 15 मिनट के बाद का ये अब इसमें खोल रहा हूँ, देखिए, और इसमें थोड़ा चला रहा हूँ। हमारा चिकन जैसे कि मैं 15 मिनट के बाद अब इसमें वो कर रहा हूँ, देखिए हमारा चिकन बिल्कुल ही पक चुका है, ये देखिए बिल्कुल ही पक चुका है, ठीक हमारा चिकन ही पक चुका है। और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता आपका ऐसे डाल दूंगा, ये देखिए। अब हम चिकन को, और हाँ, और जो दालचीनी को जो मैंने थोड़ा सा पीस रखा था, 1 टीस्पून पानी डालकर रखा था, उसे मैंने थोड़ा सा इसको डाल दूंगा, इसकी अपनी फ्लेवर बिल्कुल मज़ेदार आ जाएगी, देखिए ये देखिए। और
इसे मैं 5 मिनट ढक दूंगा, उसके बाद मैं इसे आपको लेआउट करके डोंगे में दिखाता हूँ। देखिए हमारा ये देसी चिकन हांडी, बिल्कुल घर में बनाई हुई देसी चिकन की ये चिकन हांडी है, बिल्कुल भाफ निकल रही है। देखिए मैं इसे, चिकन हांडी कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूँ।